प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है कंचन। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। विदेश से लौटने के बाद मैंने छोटा नागपुर के चंद्रवंशीय राजा के दरबार में नौकरी कर ली थी। उन्हीं दिनों इस कहानी का पुष्प खिला था। उस दिन मैं निर्जन वन से लौट रहा था। झोली में रंग बिरंगे पत्थर भरे थे जिनका अपनी कोठी पर लौटकर अपनी प्रयोगशाला में मुझे परीक्षण करना था। उन दिनों आसमान टेसू के फूलों जैसी रक्तिम आभा से विभोर था। टेसू के फूल अर्थात पलास के फूल। पलास एक पौधा होता है जो औसतन एक पेड़ का रूप ले लेता है और उस पर टेसू के लाल लाल चटकदार फूल लगते हैं। तो उन दिनों आसमान टेसू के फूलों जैसी रक्तिम आभा से विभोर था। शाल के वृक्ष यानी सखुआ के वृक्ष जो बहुत सीधे होते हैं और उनसे बहुत ही उम्दा तरीके के फर्नीचर बनाए जाते हैं, तो शाल के वृक्ष की टहनियों पर मंजरियां झूल रही थी। मधुमक्खियों के समूह मंडराते फिर रहे थे। व्यापारियों द्वारा लाख संग्रह का समय आ गया था अर्थात व्यापारियों के कमाने के दिन आ गए थे। बेर और सहतूत के पत्तों से रेशम के कीड़े इकट्ठे किए जा रहे थे। संथाल जाति महुए बीनती फिर रही थी। संथाल एक जनजाति है जो कि असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। तो संथाल जाति महुए बिनती फिर रही थी। नूपुर की झंकार अर्थात पायल की झंकार के समान गूंजती हुई नदी वहीं पर बही जा रही थी। मैंने स्नेह से उस नदी का नाम रखा था तनिका। एक अनोखा सा आवेश पूरे वातावरण में छाया हुआ था। इस वातावरण का मुझ पर ऐसा प्रभाव था कि मैं मोहित सा हो गया था। काम करने की मेरी गति धीमी हुई थी और इससे मैं कुछ खींच गया था। दिन ढल रहा था। कुछ आगे जाकर नदी दो भागों में बट गई थी। बालू के एक टीले पर बगुलों का एक झुंड शांत भाव से बैठा था। इन सबका अवलोकन करता हुआ मैं अपनी कोठी पर लौट रहा था। ऐसे निर्जन स्थानों पर समय काटना एक भारी समस्या होती है, अतः शाम का समय मैंने अपने प्रयोगों के लिए निर्धारित किया हुआ था। डायनेमो द्वारा बिजली की रोशनी कर नाना प्रकार के रासायनिक द्रव्य, माइक्रोस्कोप और न जाने क्या क्या लेकर बैठ जाता हूँ। इसी प्रकार बैठे बैठे कभी आधी रात हो जाती है। मुझे आज विशेष खोज के बाद मैगजीन के चिन्हों का आभास मिला था, इसलिए मेरी वापसी आज विशेष उत्साह के साथ हो रही थी। उस वातावरण में कौवे कांव कांव करते हुए सिर पर से अपने अपने नीरों की ओर बढ़ते जा रहे थे। नीरों अर्थात घोंसलों। इसी समय एक बाधा ने मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। मेरे सम्मुख आकर एक बाधा खड़ी हो गई। सुनसान रास्ते के एक टीले पर शाल के पांच वृक्षों का एक व्यूह सा खड़ा था। उसके झुड़मुट में एक वृक्ष के तने से पीठ टिकाए एक कोमलांगी बैठी थी। वह दोनों पैरों को छाती के समीप समेट मन लगाकर कुछ लिखे जा रही थी। मैं वृक्ष की आड़ में खड़ा होकर उसकी ओर ताकने लगा। मेरे हृदय में न जाने कैसी हलचल सी मच गई। उस बाला को भी मेरे खड़े होने का कुछ आभास सा हो गया था। उसने लिखना तो बंद कर दिया किंतु उठी नहीं। मैंने सोचा कि कहूं क्षमा कीजिए, किंतु कैसी क्षमा? मैंने ऐसा कौन सा दंडनीय कार्य कर दिया था? यही सोचता हुआ मैं अपनी कोठी की ओर बढ़ने लगा। तभी मेरी दृष्टि जमीन पर पड़े फाड़े हुए किसी पत्र के लिफाफे पर जा पड़ी। मैंने उठाकर देखा, नाम भवतोष मजुमदार, ICS, मुकाम छपरा, हाथ की लिखावट लड़कियों जैसी। मैंने उलट पुलट कर देखा, लिफाफे पर टिकट लगा हुआ है लेकिन डाक खाने की मोहर नहीं। मेरी अक्ल ने झट समझ लिया कि फटे पत्र के लिफाफे पर किसी दुखांत नाटक का छत चिन्ह विद्यमान है और मैंने उस लिफाफे के रहस्य को जानने का भी संकल्प कर लिया।
जूलॉजी के अध्ययन के अभ्यास के साथ भीतर ही भीतर इस रहस्योद्घाटन का काम भी चल रहा था। जिस समय मैं रेडियम का कण पाने की आशा लेकर अनुसंधान में डूबा हुआ था, उस समय मैंने शाल वृक्षों की छाया और प्रकाश के बंधन में कंचन को बैठे देखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि इससे पहले भी बंगाली बाला को निहारा था, किंतु ऐसे स्वतंत्र और एकांत वातावरण में देखने का अवसर कभी नहीं मिला था। यहाँ उसकी सलोनी देह की कोमलता के साथ वन के फूल ने अपनी भाषा का स्वर मिला दिया। विदेशी कोमलांगियों को तो बहुत बार देखा था और वे भी भली लगी थी, किंतु किसी बंगाली बाला को पहली बार ही इस प्रकार से देखा कि उसकी समग्रता को उपलब्ध किया जा सके। उसे देखकर यह प्रतीत नहीं होता कि उसका संबंध पुस्तकों से टूटा या नहीं। बहुत समय पूर्व मैंने एक गीत सुना था जिसमें एक लड़की के रूप लावण्य का वर्णन था। वह गीत किन्हीं बसु महाशय का था। तब उस गीत को सुनकर भी मैंने भुला दिया था, मगर आज बाला को देखकर लगा कि उस गीत में जिस बंगाली लड़की के रूप लावण्य का जिक्र किया गया था, वही लड़की आज मेरी आंखों के सामने है। जूलॉजी शास्त्र में पढ़ा था कि पृथ्वी के नीचे छुपी हुई आग्नेय सामग्री सहसा तेज भूकंप से आनंदोलिता अवस्था में ऊपर आ जाती है। आज अपने ही निम्न स्तर के अंधकार में छुपी हुई उसी तपती हुई सामग्री को सहसा ऊपर के प्रकाश में देखा। मुझ कठोर विज्ञानी ने अपने अंतस्थल में इस प्रकार आनंदोलिता अवस्था की कभी आशा नहीं की थी। पता लग गया कि प्रतिदिन तीसरे पहर जब इसी रास्ते से काम से लौटा करता तो वह मुझे विशेष दृष्टि से देखा करती, पर उसकी दृष्टि में क्या है यह अब तक मैं समझ नहीं सका था। कभी कभी मैं राह चलता पीछे मुड़कर देख लेता तो ऐसा लगता कंचन की नजरें मेरा पीछा कर रही हैं। मुझे मुड़ता देखकर वह अपनी दृष्टि घुमाकर उन कागजों की ओर कर लेती जिस पर बैठी वह लिखा करती थी। मेरे विज्ञानी मन को ऐसा लगा कि वह किसी को पाने के लिए इतना कठोर व्रत कर रही है। बहुतोष मजूमदार विलायत से लौटकर छपड़े में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हो गया है। विलायत जाने से पूर्व इन दोनों में यहीं रहते समय गंभीर प्रणय हो गया था, परंतु अब पद पर नियुक्ति के बाद कोई विशेष संबंध नहीं रह गया है। असल बात क्या है इसकी जानकारी तो छानबीन करने से ही मिलेगी। मेरे लिए यह सब मालूमात हासिल करना कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि मेरे सहपाठी बंकिम बाबू पटना विश्वविद्यालय में काम करते थे। उनको पत्र लिखकर डाल दिया, बिहार के सिविल सर्विस में कोई भवतोष मजूमदार नामक एक महाशय है, मेरे किसी मित्र ने अपनी लड़की के लिए इन्हें पसंद किया है, इस कार्य में मेरा सहयोग चाहते हैं। कार्य थोड़ा कठिन अवश्य है, किंतु संभवतः आपके लिए इतना कठोर न हो। आपका आभारी रहूंगा। उन महाशय का विवाह के लिए क्या मत है यह भी लिखिए। पत्र का उत्तर मिला, रास्ता पथरीले से भी कहीं अधिक बढ़कर है, उसकी राय के विषय में सुनो। मैं कॉलेज में डॉक्टर अनिल कुमार का छात्र था। जितना साधारण डॉक्टर साहब का पांडित्य था, उतना ही सरल उनका हृदय। उनकी नातिन को देखो तो पता लगेगा कि सरस्वती देवी ने उनकी साधना से संतुष्ट होकर उनके बुद्धि लोक को ही प्रकाशित नहीं किया, बल्कि वह रूप सुधा को लेकर उनकी गोदी में भी आई हैं। शैतान भवतोष उनके इसी स्वर्ग लोक में न जाने कहां से आन पड़ा। उसकी बुद्धि प्रखर थी और वह वाक्पटुता में निपुण। पहले धोखा खाया डॉक्टर साहब ने और बाद में उनकी नातिन ने। विवाह संबंध निश्चित हो चुका था, प्रतीक्षा थी भवतोष की विलायत से लौटने की। विलायत का सारा खर्च डॉक्टर साहब ने दिया था। सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर जब वह भारत आया तो यहाँ के किसी उच्च पदाधिकारी की कन्या से विवाह कर लिया। उसके इस कुकृत्य और निर्जलता से क्षुब्ध होकर डॉक्टर साहब नौकरी को तिलांजलि देकर अपनी नातिन के साथ कहाँ चले गए इसका कुछ पता नहीं। पत्र को पढ़कर कंचन की परिस्थिति का पूर्ण आभास हुआ। तभी दृढ़ संकल्प किया कि उसको लज्जा और अवसाद से मुक्त करूंगा।
सूर्यदेव पश्चिम की ओर जा रहे थे, संध्या अपना आवरण फैला रही थी। यह समय कंचन के लौटने का था, तभी कोई गंवार उसके हाथ से लिखे हुए पृष्ठ छीनकर भाग खड़ा हुआ। मैंने उसका पीछा किया और उन पृष्ठों को पाने में सफल हो गया। मैंने वे सब कंचन को लौटा दिए। अपनी संपत्ति को वापस आया देख कंचन ने स्निग्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, सौभाग्य से आप। मैंने कहा, मेरे भाग्य से ही उस गंवार ने ऐसा किया। इसका मतलब? तनिक चौंक कर उसने पूछा। मतलब स्पष्ट है मगर मैं समझी नहीं। उसकी सहायता से आपके साथ ही पहली बात हो पाई। इससे पहले तो यही सोचता रहता कि कैसे और क्या बोलूं। फिर कंचन ने कहा, किंतु वह तो एक चोर था। नहीं, वह चोर नहीं, वह मेरा ही सिपाही था। उसके सहयोग से ही यह शुभ अवसर आया है। कंचन ने अपनी गहरे रंग की साड़ी का छोड़ पकड़कर अपने मुंह पर रख लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसी रुकते ही उसने कहा, काश यह सच होता तो बड़ा मजा आता। किसे? मुझे, कंचन ने कहा। और मदद करने वाले का क्या इनाम होता? उसे घर पर ले जाकर चाय पिलाती, कंचन ने फिर कहा। और इस नकली मददकर्ता का क्या होगा? मैंने कहा। उसने जो चाहा था मिल गया, कंचन बुदबुदाई। क्या मिल गया? मैंने कहा। परिचय की पहली बात और क्या? कंचन फिर बोली। बस हाँ, मैं चाहता हूं कि बातों का यह सिलसिला यहीं समाप्त ना हो जाए। समाप्त कैसे होगा? कंचन बोली। अच्छा, यदि आपको पहले बात करने का अवसर मिला होता तो पहली बात आप क्या कहती? मैं तो केवल यही पूछती कि सरकों पर से पत्थर चुनने में लड़कपन नहीं लगता आपको? फिर आपने पूछा क्यों नहीं? डर लगता था। डर? मुझसे? हाँ, दादू से सुना था कि आप बड़े विद्वान हैं। उन्होंने विलायत से छपा हुआ आपका लेख पढ़ा था। उन्होंने उसे समझाने का प्रयत्न किया पर मैं समझ न सकी। तभी किसी की आवाज सुनाई दी, दीदी दीदी कहाँ हो तुम? अंधेरा हो गया है, आजकल समय अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब के उपस्थित होते ही मैंने उनके चरणों की धूल लेकर प्रणाम किया। वे तनिक सकपका गए मगर मैंने तुरंत अपना परिचय दिया, मेरा नाम नवीन माधव सेन गुप्त। उसे सुनकर वृद्ध डॉक्टर का चेहरा खिल उठा, बोले, क्या कहते हो, आप ही डॉक्टर सेन गुप्त हैं? आप तो बच्चे हैं। मैंने उत्तर दिया, अभी बच्चा ही हूं, 36 वर्ष का बच्चा। आपको हमारे यहां चलना होगा, निर्णायक लहजे में डॉक्टर साहब बोले। इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है दादू, ये तो पहले ही चलने के लिए मुंह उठाए बैठे हैं, कंचन ने कहा। मैंने मन ही मन कहा, अनर्थ हो गया, कैसी शरारत की है कंचन ने। डॉक्टर साहब ने उत्साहित स्वर में कहा, आपको शायद देश और काल। नहीं नहीं, इन बातों का मेरी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है और न ही समझाने में आप अपना समय बर्बाद करें। समय का क्या अभाव है? अच्छा, आप भोजन आज हमारे घर ही करें। मैं धन्यवाद करने ही जा रहा था कि कंचन बोल उठी, दादू हर किसी को न्योता देकर मुझे मुश्किल में डाल देते हो। भला इस जंगल में अंग्रेजी खान पान कहाँ मिलेगा? ये विलायत का डिनर खाने वाले हैं, आप व्यर्थ में अपनी नातिन को बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो वृद्ध डॉक्टर साहब मुझसे मुखातिब हुए, आपको कब सुविधा होगी आने में, बताइए। मेरी सुविधा तो कल ही हो सकती है, परंतु मैं कंचन देवी को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे अनुसंधान के लिए वनों में जाना पड़ता है, वहां जो कुछ भी प्रकृति की देन के द्वारा मिलता है उसे बटोर कर ले आता हूँ। दादू इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं, कंचन ने फिर कहा। मैंने सोचा यह तो अजीब लड़की है, जो बात कहता हूँ उसी को काट देती है। इस प्रकार वार्ता करते करते हम सब कंचन के मकान की ओर बढ़े चले जा रहे थे कि कंचन अचानक बोल उठी, अब आप अपने शिविर को लौट जाइए। क्यों? मैंने तो सोचा था कि आप लोगों को मकान तक छोड़ आऊं। बस बस, हम खुद ही चले जाएंगे। अस्त व्यस्त अवस्था में मकान को दिखाकर मैं परिहास का केंद्र नहीं बनना चाहती, उसे देखते ही मेम साहब की याद आ जाएगी। विवश हो मुझे विलग होना पड़ा। उस अवस्था में मैंने कहा,
कल आप लोगों के यहाँ जो मेरा न्योता है वह मेरे नए नामकरण के लिए है। कल से नवीन माधव नाम के डॉक्टर का सेनगुप्त अंश छूट जाएगा। तब तो नामवर्तन कहिए, नामकरण क्यों कहते हैं, जैसा आप समझें। इसके उपरांत मैं अपने निवास में लौट आया। उस दिन मैं अनुसंधान के लिए लाए गए पदार्थों की परख नहीं कर सका। मेरा मस्तिष्क कंचन के विषय में ही सोचता रहा। अगले दिन तनिका के तट पर कंचन के साथ भेंट हुई। डॉक्टर साहब बालकों के समान मुझसे पूछ बैठे, नवीन क्या तुम विवाहित हो? मैंने उस भावार्थ प्रश्न का तुरंत ही उत्तर देते हुए कहा, अभी तक तो अविवाहित हूं। कंचन यहां भी नहीं चूकी, तपाक से बोली, दादू अभी तक शब्द तो कन्या पक्ष वालों को सांत्वना देने मात्र के लिए है, उनका कोई यथार्थ अर्थ नहीं। यथार्थ अर्थ नहीं, यह कैसे निश्चय कर लिया? मैंने कहा, यह एक गणित की उलझन है, फिर भी उच्च गणित कहने से जो वस्तु समझ आती है वह यह नहीं है। यह तो पहले से ही सुनने में आया है कि आप 36 साल के बच्चे हैं। इस अरसे में आपसे भी 5-7 बार कहा जा चुका है कि बेटा बहू लाना चाहती हूँ, लेकिन आपने कहा इससे पहले मैं लोहे के संदूक में रुपए लाना चाहता हूँ। इसके बाद इस अरसे में आपका सब कुछ हो गया केवल फांसी शेष है। अंत में प्रांतीय सरकार का बड़ा पद जुट गया तो माँ ने फिर कहा, अब तो बेटा ब्याह करना होगा, मेरी जिंदगी के और कितने दिन बाकी हैं। आपने कहा मेरा जीवन और मेरा विज्ञान एक है, उसे मैं देश के लिए उत्सर्ग करूंगा, मैं अभी ब्याह न करूंगा। विवश होकर उन्होंने आंखों का पानी पोंछ कर चुप्पी साध ली। आपके 36 वर्ष का हिसाब लगाते समय मैंने कहीं गलती की हो तो कहिए, वास्तव में बताइए, संकोच की कोई आवश्यकता नहीं। फिर बोली, हम लोगों के देश में आप लोग लड़कियों को जीवन संगिनी के रूप में पाते हैं। विश्व का जिससे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु विदेश में जो लोग विज्ञान के तपस्वी हैं उनको तो उपयुक्त तपस्विनी मिल ही जाती है। जैसे अध्यापक क्यूरी को सहधर्मिनी मदाम क्यूरी, तो क्या वैसी कोई आपको वहां रहते नहीं मिली? कंचन के कहते ही कैथरीन की बात याद आ गई। लंदन में रहते समय साथ ही काम किया करते थे, यहाँ तक कि मेरी एक रिसर्च की पुस्तक में मेरे नाम के साथ उसका नाम भी छपा था। मुझे स्वीकार करना पड़ा। तब कंचन ने तत्काल ही पूछा, उनके साथ आपने विवाह क्यों नहीं किया? वे क्या इसके लिए तैयार नहीं हुई? उन्हीं की ओर से तो प्रस्ताव आया था, मैंने कहा। तो मेरा नाम भारतवर्ष का ठहरा इसलिए, मैंने जवाब दिया। यानी स्नेह की सफलता आप जैसे साधकों की कामना की वस्तु नहीं, लड़कियों के जीवन का परम लक्ष्य व्यक्तिगत है और आप जैसे इंसानों का वैयक्तिक। इसका उत्तर मुझे देते न बन पड़ा। मुझे चुप देखकर कंचन फिर बोली, बंगला साहित्य कतिपय आपने नहीं पढ़ा, उसमें यही बात दिखाई गई है कि लड़कियों का व्रत पुरुष को बांधना है और पुरुष का व्रत है उस बंधन को काटकर ऊपर लोक का मार्ग पकड़ना। कच्छ भी देवयानी के अनुरोध की उपेक्षा कर निकल पड़ा था, आप माँ का अनुनय न मानकर चल पड़े थे। एक ही बात हुई, नारी और पुरुष में चीरकाल से चला आने वाला यही संघर्ष है। चाहे भले ही अबला क्रंदन होता रहे, उस क्रंदन से आप लोग अपनी पूजा का नैवेद्य सजा लीजिए। देवता के उद्देश्य से ही नैवेद्य की भेंट होती है, नैवेद्य अर्थात पूजा की थाली, लेकिन देवता निरासक्त ही रहते हैं। मैं उसका चेहरा देखता रहा। देवयानी ने कच्छ को क्या श्राप दिया था जानते हैं नवीन बाबू? क्षण भर रुक कर उसने पूछा। नहीं, अपने ज्ञान साधन का फल आप स्वयं न सोच सकेंगे नवीन बाबू, हाँ दूसरों को दान कर सकेंगे। मुझे यह बात कुछ अजीब सी लगती है, यदि यह श्राप आज कोई विदेशी लोगों को देता तो वह बच जाता। विश्व की सामग्री को अपनी सामग्री के समान व्यवहार करने की वजह से ही यूरोप वाले लालच के द्वार पर मरते हैं। उस दिन जो बातें हुई वे केवल हास्य व्यंग ही नहीं था, उनमें युद्ध की ओर संकेत था। हालांकि कंचन के साथ जब मेरा संबंध सहज हो आया था
किंतु फिर भी मैं उसके सम्मुख खड़े होकर उसकी चरम अभिलाषा की थाह पाने का कोई मार्ग नहीं खोज पाया। हाँ, एक दिन अवश्य पिकनिक के समय यह सुयोग मिल गया। उस समय डॉक्टर साहब शिवालय के खंडहर की सीढ़ी पर बैठकर रसायन शास्त्र की कोई नई प्रकाशित हुई पुस्तक पढ़ रहे थे। एक आबनूस के पेड़ की झाड़ी में बैठकर कंचन अचानक कह उठी, इस महाकाल के वन में एक अंधी प्राण शक्ति है, उससे भयग्रस्त हूं। पुराने भवनों के दरार से लुक छिपकर पीपल का अंकुर निकलता है और फिर धीरे धीरे अपनी जड़ों से उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। यह भी वैसा ही है, दादू के साथ यही बात हो रही थी। दादू कह रहे थे, बस्ती से बहुत दिनों तक दूर रहने से, प्रकृति के अभाव से मानव का चित्त दुर्बल हो जाता है और आदमी पर प्रकृति का असर प्रखर हो उठता है। मैंने उत्तर दिया, मेरा विचार यह है कि ऐसे अवसरों पर मानव का संग भीतर और बाहर से मिलना चाहिए, जिसका प्रभाव मानव प्रकृति को पूर्ण कर सके। जब तक यह नहीं होगा, तब तक अंधशक्ति से पराजित ही होना पड़ेगा। काश आप मामूली, कहते कहते मैं रुक गया। हाँ हाँ, कहिए, संकोच मत कीजिए, कंचन ने शीघ्रता से कहा। यह तो जानती ही हैं कि मैं वैज्ञानिक हूं, अतः जो कहने जा रहा हूं उसे व्यक्तिगत आसक्ति से रहित होकर ही कहूंगा। आपने एक दिन भवतोष को बहुत स्नेह से देखा था, क्या आज भी उसे उसी प्रकार? समझ लीजिए, नहीं करती, तब, कंचन बोली। मैंने कहा, मैंने ही आपके मन को उधर से हटाया है। संभव हो सकता है, लेकिन आपने ही नहीं बल्कि इस अंधशक्ति ने भी, इसीलिए मैं इस हटने को श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखती। ऐसा क्यों? मैंने कहा, दीर्घकाल के प्रयास से मानव चित्त शक्ति में अपने आदर्श की रचना करता है, प्राण शक्ति की अंधता उस आदर्श को तोड़ देती है। आपके प्रति जो मेरा प्रेम है वह उसी अंधशक्ति के आक्रमण का फल है, कंचन ने कहा। नारी होकर भी आप प्रेम पर ऐसा अपवाद मढ़ती हैं, मैंने कहा। नारी होने के कारण ही तो ऐसा कह रही हूं। प्रेम का आदर्श हमारे लिए पूजा की सामग्री है, उसी को सतीत्व कहते हैं। सतीत्व एक आदर्श है। यह सामग्री वन की प्रकृति की नहीं, मानवी है। इस निर्जन में इतने दिनों से इसी आदर्श की पूजा कर रही थी, सारे आघातों को सहने और धोखा खाने के बाद भी उसे बचा सकी तो मेरी पवित्रता भी नहीं जाएगी। क्या भवतोष के लिए अब भी श्रद्धा का स्थान है? नहीं, कंचन ने कहा। उसके पास जाना चाहोगी? नहीं। तो फिर कुछ भी नहीं? मैं आशय नहीं समझा। आप समझ भी नहीं सकेंगे, आपकी संपत्ति ज्ञान है, उच्चतर शिखर पर, वह भी इम्पर्सनल है। नारी संपत्ति हृदय की संपत्ति है। यदि उसका सब कुछ चला जाए, वह सब कुछ जो बाहरी है, जिसे स्पर्श किया जा सकता है, तब भी उस प्रेम में वह वस्तु बच रहती है जो कि इम्पर्सनल है। वाद विवाद में समय नष्ट न कीजिए। मुझे कुछ ही दिनों में खोज करने के अभिप्राय से अन्यत्र कहीं जाना होगा, किंतु फिर गए क्यों नहीं? कंचन ने कहा। मैंने बोलना चाहा आपसे, तभी कंचन ने पुकारा, दादू। डॉक्टर साहब अपना पढ़ना लिखना छोड़कर उठ गए और मधुर स्वर में बोले, क्या है दीदी? आपने उस दिन कहा था ना कि मनुष्य का सत्य उसी की तपस्या के भीतर से अभिव्यक्त हुआ है। उसकी अभिव्यक्ति प्राणी शास्त्र से समझी जाने वाली अभिव्यक्ति नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक दादू। तो फिर आज अपनी और आपकी बात का निर्णय कर दूं। कई दिनों से मस्तिष्क उथल पुथल का केंद्र बना हुआ है। मैं उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं चलता हूं। नहीं, आप बैठिए दादू, आपका वही पद फिर खाली हुआ है और सेक्रेटरी ने पुनः आपको बुलवाया भी है। हाँ, तो फिर आपको उस पद को स्वीकार करना होगा, अति शीघ्र वहीं लौट जाना होगा। डॉक्टर साहब बेचारे हतबुद्धि होकर कंचन के मुंह की ओर ताकते रहे। कंचन बोली, अच्छा अब समझी, आप इसी सोच में पड़े हैं कि मेरा क्या होगा? यदि अहंकार की मात्रा बहुत न बढ़ती हो तो आपको यह बात स्वीकार करनी ही होगी कि मेरे बिना आपका एक दिन भी नहीं चल सकता।
मेरी अनुपस्थिति में तो 15वीं आश्विन को आप 15वीं अक्टूबर समझ बैठते हैं। जिस दिन घर में अपने सहयोगी अध्यापक को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, उसी दिन लाइब्रेरी के द्वार बंद करके कोई निदारुण इक्वेशन सुलझाने में लग जाते हैं। नवीन बाबू सोचते होंगे कि मैं बात बढ़ा चढ़ा कर कह रही हूं। आज ऐसी अशुभ बातें मैं बोलना चाहा, परंतु बात को बीच में काटती हुई कंचन बोली, सब अभी खत्म हो जाएगी, आप चलें तो मेरे साथ अपने काम पर छूटी हुई गाड़ी फिर लौट आएगी। डॉक्टर साहब मेरी ओर देखकर बोले, तुम्हारी क्या सलाह है नवीन? मैं क्षण भर स्तब्ध रहकर बोला, कंचन देवी से अधिक अच्छा परामर्श कौन दे सकता है। कंचन ने उठकर मेरे चरण छूकर प्रणाम किया। मैं संकुचित होकर पीछे हट गया। कंचन बोली, संकोच न कीजिए, आपकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं, यह बात किसी दिन साफ हो जाएगी। आज आपसे यही अंतिम विदा लेती हूं, जाने से पूर्व अब भेंट न होगी। यह कैसी बात कह रही हो दीदी? डॉक्टर साहब ने पूछा। दादू, इतना ही कह सकी कंचन। मैंने उसी क्षण डॉक्टर साहब की पग धूली का स्पर्श किया। उन्होंने मुझे छाती से लगाकर कहा, मैं जानता हूं नवीन कि तुम्हारी कीर्ति का पथ तुम्हारे सामने प्रशस्त है। अपने स्थान पर लौटकर पहला रिकॉर्ड निकाला, उसे देखते ही मन में सहसा आनंद उमर आया। समझा, मुक्ति इसी को कहते हैं। सांध्य बेला में दिन भर का काम समाप्त करके बरामदे में आते ही अनुभव हुआ कि पंछी पिंजरे से भले ही आजाद हो गया है, किंतु उसके पैरों में जंजीर की एक कड़ी अब भी उलझी हुई है, जो हिलते डुलते बज उठती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।